टुडे आई एम टीचिंग यू क्लास 5 एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी। आपने एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को कि शादी में शिरकत की आपको छुट्टी चाहिए। टू द प्रिंसिपल लाहौर बेटी स्कूल क्लिफ्टन कॉलोनी लाहौर। मैडम विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से डैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर। बहुत बाना गुजारिश है कि मुझे अपने बड़े भाई की शादी में शिरकत करनी है। आई हैव मच वर्क टू डू एट होम। घर पे मेरे लिए बहुत से काम हैं। देयरफॉर आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। मेहरबानी फरमा के मुझे 3 दिन की रुख्सत अनायत फरमाएं। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर। मैं इस आपकी अनायत का बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड नवाजिश होगी। प्लीज़ राइट हेयर योर्स ओबिडेंटली XYZ। नाउ आई एम टीचिंग यू स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। लूमबड़ी और अंगूर। इट वॉज हॉट समर डे। ये गर्मियों के दिन थे। आज हंग्री फॉक्स रन हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। एक लूमबड़ी भूख की वजह से खाने की तलाश में इधर उधर भाग रही थी। शी डिड नॉट फाइंड एनी थिंग एनीवेयर। उसको कहीं भी कुछ खाने को ना मिला। एट लास्ट शी केम टू द गार्डन। आखिरकार वो एक बाग में आ गई। देयर शी सॉ सम रेड ग्रेप। वहाँ पे उसने कुछ ताज़ा पके हुए अंगूर देखे हैंगिंग ऑन द वॉल, जो कि दीवार के ऊपर से लटक रहे थे। हर माउथ बिगेन टू वाटर। हर माउथ नॉट बिगेन फिल्ड विद वाटर। उसका मुँह पानी से भर गया। शी जम्प्ड अगेन एंड अगेन। उसने दोबारा दोबारा छलांग लगाई टू रीच दैम, उस तक पहुँचने की। बट शी कुड नॉट टू डू सो। लेकिन वो ये ना कर सकी। शी फेल्ट होपलेस। वो ना उम्मीद हो गई। एट लास्ट शी गेव अप द एफर्ट। उसने आखिरकार कोशिश करना छोड़ दी। शी वेंट अवे सेइंग द ग्रेप्स आर सोर। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि अंगूर खट्टे हैं। आई शैल बी इल इफ आई ईट इट। अगर मैं इसे खाऊँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। मोरल, ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। नंबर 2 मॉरल है इसका, पीपल प्रिटेंड टू डिसलाइक बट दे कैन नॉट गेट। अक्सर लोगों को जो चीज़ नहीं हासिल हो पाती तो वो इस तरह शो करते हैं या जाहिर करते हैं कि उन्हें वो चीज़ बस चाहिए ही नहीं थी या वो उसको जिस पसंद ही नहीं वो चीज़। यानी कि अंगूर खट्टे का मतलब ये है कि उसको वो चीज़ हासिल ना हो सकी लूमड़ी को, और उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं बीमार हो जाऊँगी खट्टे अंगूरों को खाओगी। और लोग इस तरह जाहिर करते हैं जो चीज़ उन्हें ज़िंदगी में हासिल ना हो कि जैसे उन्हें वो चाहिए ही नहीं थी या उन्हें वो पसंद ही नहीं थी। प्लीज़ लर्न दिस एप्लीकेशन एंड स्टोरी एंड राइट डाउन इन योर कॉपी।